हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, अभी तक आप स्मार्ट वर्क कर रहे थे, लेकिन अब स्मार्ट से स्मार्टर बनने की ज़रूरत आ गई है। और जैसे कि 3G, 4G एंड 5G की तरफ कंट्री मूव कर रहा है, वर्ल्ड मूव कर रहा है, इसलिए आपको भी अब आपको हार्ड वर्क छोड़कर स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है। अभी तक आप जो स्टार हेल्थ की पॉलिसी ऑफलाइन कर रहे थे, पेपर बेस्ड कर रहे थे, उसको इजी विदिन अ 10 सेकेंड, विदिन अ 10 मिनट्स कैसे पॉलिसी आप किसी का करें, कैसे हाथों हाथ उसको पॉलिसी जनरेट करके दे दें, उसके लिए आपको स्टार हेल्थ एजेंट पोर्टल पर लॉगिन बनाना होगा। लॉगिन बनाइए, अपनी पॉलिसी ट्रैक कीजिए, अपना पॉलिसी कीजिए इमीडिएट, कहीं भी कभी भी। सो आज देखते हैं, अगर आप स्टार एजेंट हैं तो आपको पोर्टल पर लॉगिन कैसे बनाना है। सो चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ स्टार हेल्थ के पोर्टल पर, जहाँ पर हमें लॉगिन बनाना है। मैंने ये ब्राउज़र खोल लिया है, आप भी गूगल ओपन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए स्टार हेल्थ एजेंट लॉगिन, राइट। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं स्टार हेल्थ एजेंट लॉगिन, तो आपके पास बहुत सारे पेज आ जाएंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट जो है पोर्टल starhealth.in, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा, जिसमें पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू मूव न्यू एजेंट पोर्टल। आपके पास ये मैसेज आएगा तो आपको यस करना है। यस करेंगे तो सीधे आपको स्टार एजेंट की जो न्यू पोर्टल है आपके पास आ जाएगा, राइट। दूसरा आपके पास तरीका है, आप सिंपल यहाँ पर टाइप कीजिए agentagent.starhealth.in। आप ये टाइप करेंगे तभी ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। सो हम आपके इस एजेंट पोर्टल के पास आ चुके हैं। अगर आपने यूजर आईडी बना लिया है सो आप उसको अपना देख सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको अपना यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है, अगर आपके पास एजेंसी कोड आ गई है जिसको जिसकी स्टार्टिंग BA से होता है, अगर आ गया हो तो आप इसके बाद यहाँ पर जाना है न्यू हेयर या रजिस्टर्ड। अगर आपका अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको सिंपल रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालने हैं एजेंट आईडी जो आपके पास आपके मेल पे आई हुई है, यहाँ पर आपको डालना है ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड किया हुआ है आपने एजेंसी कोड पर, अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं और वही पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो आपके सामने कैप्चा आया है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप अपना एजेंसी कोड डालिए, मैंने डाल दिया। इसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो ईमेल आईडी आप डालिए। आप इसको कैपिटल लेटर भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं। अपना पैन नंबर डालिए, पैन नंबर आप कोशिश कीजिए कैपिटल लेटर में डालने के लिए, मैंने पैन नंबर डाल दिया। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए जो आपने रजिस्टर्ड किया है। ये सारी डिटेल्स आपने ऑलरेडी एजेंसी लेते समय दिया हुआ है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड रखना है। पासवर्ड में आप कोशिश कीजिए कि एक न्यूमेरिक लेटर और एक स्पेशल साइन हो, जैसे कि आप, मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, आप एग्जांपल पे देख लीजिए कि मैंने क्या रखा है पासवर्ड। आप इस टाइप से पासवर्ड रख सकते हैं। इसमें मैंने आपने जो पासवर्ड रखा है वो आपको दिखेगा, आप इसमें ये जो आईज बने हुए हैं इस पर क्लिक कर लीजिए। सो इस टाइप से आप पासवर्ड रख सकते हैं, या अगर आपको कुछ और आसान रखना है तो आप एक कैपिटल लेटर और बाकी स्मॉल लेटर करके भी आप ऐसे पासवर्ड रख लीजिए। दोनों पासवर्ड मैच है। यहाँ पर आपको अपना ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा टाइप करना है या देकर, और फिर यहाँ पर रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपके मेल पर, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरे पास एक मैसेज आया कि आप अपने एजेंसी केयर सेल पे कांटेक्ट कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को डालिए और बस हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद ओटीपी से वेरीफाई हो गया, उसके बाद फिर से आपको आपके अपने एजेंट पोर्टल पे चले जाना है। जैसा एजेंट पोर्टल खोलने के लिए agent.starhealth.in आप क्लिक लिखिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा। इस पेज में आपको यूजर आईडी, जो आपका एजेंट आईडी है, वो डालिए, और आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे लॉगिन रजिस्टर करते समय डाला था, वो डाल दीजिए और सिंपल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये सीधे आपके पेज पर आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेज अवेलेबल है, आपके सामने है, जहाँ पर आपको ऑप्शन है पेमेंट लिंक, क्रिएट पॉलिसी और बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं। आपके रिन्यूअल्स कब हैं, आपकी पेमेंट लिंक आपको किसी को भेजना है, आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलेक्शन करना है, आप कहीं क्लाइंट के पास हैं और उनसे चेक लेना है, आप उनको इमीडिएट रिसीट देना है, तो आप इमीडिएट रिसीट दे दीजिए, कैश, चेक, डीडी। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पॉलिसी ऑनलाइन क्रिएट कैसे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट लेंगे कैसे, और क्लाइंट की डिटेल्स फिल करके कैसे हम आगे पॉलिसी कर सकते हैं ऑनलाइन। सो दोस्त, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लॉगिन आईडी इमीडिएट बनाइए, ताकि ये काम आप अपने मोबाइल से भी, कहीं से भी इजीली आप कर सकें और इस स्टार हेल्थ एजेंट पोर्टल पर आप फ़ायदा उठा सकें, जो आपको 24/7 कहीं भी, कहीं से भी हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट।